हेलो दोस्तों, आज आप ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग टाइप ये सारे वाले प्रश्न जो है पढ़ेंगे। इस टाइप को पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको देखना होगा। जैसा कि फादर्स या मदर्स, ओनली सन, पिता या माँ का एकमात्र पुत्र, पिता या माँ का एकमात्र पुत्र, ध्यान देंगे, पिता या मां का एकमात्र पुत्र, फॉर्मेल सेल्फ होगा, स्वयं, फॉर फीमेल ब्रदर होगा, जैसे राम अपने पिता का एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब हो गया राम के पिता को राम के अलावे कोई दूसरा पुत्र नहीं है, यानी राम स्वयं है, राम स्वयं है। अगर गीता कहती है राम उसके पिता के एकमात्र पुत्र है, तो राम गीता का इकलौता भाई होगा। उसी प्रकार देखेंगे फादर्स या मदर्स, ओनली डॉटर पिता या मां की एकमात्र पुत्री, फॉर मेल सिस्टर, फॉर फीमेल सेल्फ, पिता या मां की एकमात्र पुत्री, ध्यान देंगे, पिता या मां की एकमात्र पुत्री मेल के लिए उसकी बहन होगी, फीमेल के लिए स्वयं होगी। तो ध्यान देंगे बच्चे, जैसे गीता अपने पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी गीता के पिता को गीता के अलावे कोई दूसरी पुत्री नहीं है, यानी गीता स्वयं है। यदि राम कहता है गीता उसके पिता की एकमात्र पुत्री है, तो गीता जो है राम की एकलौती बहन होगी। ध्यान दीजिए, मदर्स फादर इन लॉ, मदर्स फादर इन लॉ मां का ससुर
मां के ससुर क्या कहते हैं? दादा बोलते हैं, मां के ससुर को दादा। दिक्कत हो तो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आपकी मां का ससुर आपका दादा होंगे। फादर्स मदर इन लॉ पिता की सास नानी होगी, नानी। ध्यान देंगे, दादा यानी ग्रैंडफादर, नानी यानी ग्रैंड मदर, ध्यान दीजिए जरा सा। ग्रैंडफादर मींस दादा भी होता है, नाना भी होता है। हम लोग सहूलियत के लिए पैटर्नल और मैटर्नल लगाते हैं। पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, मैटर्नल ग्रैंडफादर नाना। लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में आपको पैटर्नल मैटर्नल नहीं लगाएगा, ग्रैंडफादर से दादा जब आंसर आएगा तो भी ग्रैंडफादर दिया रहेगा, नाना जब आंसर आएगा तो भी ग्रैंडफादर दिया रहेगा। नानी के लिए ग्रैंड मदर, दादी के लिए ग्रैंड मदर। हम लोग सहूलियत के लिए पैटर्नल मैटर्नल लगाते हैं। एग्जाम में कभी कभी नहीं के बराबर पैटर्नल मैटर्नल लगाया जाता है। तो पिता की सास अगर समझने में परेशानी हो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, आपकी पिता की सास आपकी नानी होगी। अंकल सन या डॉटर का दिन, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया है, कजिन मीन्स चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई बहन। देखिए अंकल जो है चाचा के लिए भी अंकल दिया जाएगा, मामा के लिए भी अंकल दिया जाएगा, मौसा के लिए अंकल दिया जाएगा, फूफा के लिए अंकल दिया जाएगा। हम लोग मैटर्नल पैटर्नल लगाते हैं। मैटर्नल अंकल मीन से मामा मौसा, पैटर्नल अंकल मीन से चाचा फूफा। लेकिन एग्जाम में मैटर्नल पैटर्नल नहीं के बराबर लगाता है। मामा आएगा तो भी अंकल, चाचा आएगा तो भी अंकल, फूफा आएगा तो भी अंकल, मौसा आएगा तो भी अंकल। कजिन देखिए, कजिन मीन चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसरा, भाई बहन। देखिए, फादर इन लॉज डॉटर, ससुर की पुत्री। ध्यान दीजिए, ऐसा ससुर की पुत्री
यदि यहां वनली लगा दिया जाए, ससुर चक्र मातृपुत्री, यदि वनली लगा दिया जाए ससुर की एक मात्र पुत्री, ध्यान देंगे ससुर की एक मात्र पुत्री लगा दिया जाए, तो निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे ससुर की एक मात्र पुत्री जो बोलेगा उसके उसकी पत्नी होगी। ससुर की एक मात्र पुत्री, जैसे आपकी ससुर, आपका ससुर, आपका ससुर की एक मात्र पुत्री आपकी पत्नी होगी। तो देखिए यहां वनली लगा नहीं है, सिंपल सी बात कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। ससुर की पुत्री तो पत्नी हो सकती है मेल के लिए, चाहे साली भी हो सकती है। ससुर की पुत्र एकमात्र पुत्री रहे, ससुर की एकमात्र पुत्री रहे तो मेल के लिए पत्नी होगी, लेकिन वनली नहीं लगा हुआ, एकमात्र नहीं लगा हुआ है, इसलिए मेल के लिए साली होगी, चाहे मेल के लिए साली होगी जब पत्नी भी हो सकती है। और फीमेल के लिए ससुर की पुत्री ननद कहलाती है, फीमेल के लिए ननद। कुछ रिलेशन आप लोग जानते ही हैं, ऐसे तो आप लोग ये जो रिलेशन जो है बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कुछ रिलेशन तो आप लोग के जिह्वा पर होगा, जैसा कि देखिए सन्स वाइफ पुत्र की पत्नी, इसको क्या बोलते हैं, पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु, सन्स वाइफ पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड पुत्री का पति, सन इन लॉ दामाद। देखिए ये सब तो आप लोग यूज कर, ये सब तो आप लोग के जिह्वा पर ही होगा, मामा का बेटा, मेरा भाई, फूआ का बेटा, फुफेरा भाई, ये सब तो आप लोग जिह्वा पर होगा। एक बात जैसा देखेंगे, नाना पोता जो है को क्या कहेंगे, नाना के पोता को क्या कहेंगे, ध्यान देंगे, नाना का पोता, इसका मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन। नाना पोता क्या बोलेंगे, नाना का पोता मतलब मामा का बेटा, ध्यान देंगे, नाना का पोता मतलब मामा का बेटा, ममेरा भाई, नाना का पोता मतलब मामा का बेटा, ममेरा भाई। इंग्लिश में कजिन बोलेंगे,
कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशन है जिसको मैंने बता दिया है और विशेष तो आप लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंटिंग टाइप रिलेशनशिप, ध्यान दीजिए। पॉइंटिंग टाइप रिलेशन का प्रश्न सॉल्व करने के लिए, पॉइंटिंग टाइप रिलेशन का प्रश्न सॉल्व करने के लिए बोलने वाला व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है, बोलने वाले व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है। पॉइंटिंग टाइप रिलेशन का प्रश्न सॉल्व करने के लिए बोलने वाले व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाएं। क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन डालिए। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था, राहुल का भाई बहन, राहुल के बराबर में राहुल का भाई बहन राहुल के बराबर में राहुल की मां और पिता राहुल से एक पीढ़ी ऊपर और राहुल का दादा और दादी राहुल से दो पीढ़ी नीचे ऊपर, राहुल के बराबर राहुल का भाई बहन, राहुल की मां और पिता राहुल से एक पीढ़ी ऊपर, राहुल का दादा और दादी राहुल से दो पीढ़ी ऊपर, आपके बराबर में आपके भाई बहन, आपकी मां और पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर और आपका दादा दादी आपसे दो पीढ़ी ऊपर। क्वेश्चन डालिए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे कौन बोल रहा है, राम, राम के पिता की पत्नी राम की मां के भाई राम का मामा के पिता राम के नाना का पोता कौन है, श्याम। तो नाना पोता कौन हो गया, ममेरा भाई, तो श्याम का राम से क्या संबंध है, श्याम राम का कौन होगा, ममेरा भाई, ध्यान देंगे। ऐसे तो फैमिली ट्री बनाकर जो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आप यह देखेंगे फैमिली ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, पढ़ते पढ़ते खत्म होगा, आंसर होगा, रहेगा तैयार। उसके लिए मेरा जो है कोर्स जो है आपको खरीदना होगा, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो केवल जो है 250 रुपया में ब्लड रिलेशन, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
राम ने श्याम से कहा तुम किसके लिए कहा गया? श्याम के लिए, मेरे, राम बोलता है मेरे यानी राम के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी क्या बोलते हैं, मां, राम की मां के भाई, मामा के पिता, मामा के पिता क्या बोलते हैं, नाना का पोता, नाना का पोता मतलब मामा का बेटा, मां मेरा भाई कौन है, श्याम, किसका मां मेरा भाई है, राम का। तो देखिए कहता श्याम का राम से क्या संबंध है। यहां देखिए बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, बाद वाले व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति क्या कहेंगे, यानी राम जो है श्याम को क्या कहेंगे। आइए हम फैमिली ट्री बनाकर सिखाते हैं, इजीली हम सिखा रहे हैं फैमिली ट्री बनाकर। आइए ध्यान देंगे, बोलने वाला व्यक्ति कौन है, राम, बोलने वाला व्यक्ति कौन है, राम, बोलने वाला व्यक्ति कौन है, राम। तो राम को लिख दिए पहले, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति राम, राम कहता मेरे यानी राम के पिता, पिता को, राम के पिता को राम से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। राम बोलता है मेरे पिता यानी राम के पिता, राम बोलता है मेरे पिता यानी राम के पिता, राम के पिता को राम से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। राम के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, पत्नी यानी बराबर में, पिता की पत्नी, पत्नी बराबर में, किसकी पत्नी, पिता की पत्नी, किसकी पत्नी, पिता की पत्नी, तो डबल लाइन डाल देते हैं, क्योंकि पिता की पत्नी है। तो पिता की पत्नी राम की कौन हो गई, मां, पिता की पत्नी राम की कौन हो गई, मां के भाई, पिता की पत्नी के भाई, तो राम का कौन हो गया, मामा का पिता। तो पिता को देखिए फिर राम से एक पीढ़ी ऊपर रखना है, सॉरी पिता को इससे ऊपर एक पीढ़ी ऊपर रखना है। का पोता, का पोता, ध्यान देंगे राम के पिता की पत्नी के भाई के पिता का पोता किसका होगा, बेटा होगा, कौन होगा बेटा, श्याम, कौन होगा बेटा, श्याम, किसको कहा गया, श्याम को। तो ध्यान देंगे राम के पिता की पत्नी राम की मां का भाई, मां का भाई मामा का पिता, राम का नाना का बेटा यानी का पोता, सॉरी राम पोता यानी कि मामा का बेटा, तो राम का मैं मेरा भाई होगा, राम का मैं मेरा भाई होगा, राम का मैं मेरा भाई होगा, मामा का बेटा यानी नाना का पोता यानी मामा का बेटा क्या बोलते हैं, मैं मेरा भाई। तो ध्यान देंगे श्याम राम का कौन है, मैं मेरा भाई, पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिए, एक बार फिर से हम देख लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। देखिए ये जनरेशन को ध्यान में बैठाइए, राहुल का भाई बहन राहुल के बराबर में, राहुल की मां और पिता राहुल से एक पीढ़ी ऊपर, राहुल का दादा दादी राहुल से दो पीढ़ी ऊपर, राम का पिता राम से एक पीढ़ी ऊपर, राम का पिता राम से एक पीढ़ी ऊपर, पिता की पत्नी पिता के बराबर में, पिता की पत्नी पिता के बराबर में, पिता की पत्नी पिता के बराबर में, पिता की पत्नी क्या बोलेंगे, मां, राम की मां। अब पिता की पत्नी का भाई, पिता की पत्नी का भाई यानी राम की मां का भाई राम का मामा, राम के भाई का, राम के मां का भाई राम का मामा, और मामा का पिता राम का नाना, मामा का पिता राम का नाना का पोता यानी मामा का बेटा। ध्यान देंगे एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, यानी फैमिली ट्री किसके लिए, फैमिली ट्री बोलने वाले व्यक्ति से बनाना है। बोलने वाला व्यक्ति कौन है, राम, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे, मेरे, राम कहता मेरे यानी राम के पिता, राम के पिता को राम से पीढ़ी ऊपर, की पत्नी राम की मां के भाई राम का मामा का पिता फिर से एक पीढ़ी ऊपर, का पोता यानी कि
राम के पिता की पत्नी राम की मां का भाई राम का मामा का पिता राम का नाना का पोता यानी मामा का बेटा कौन है? श्याम। देखिए कितना अच्छा से बन गया है। राम के पिता की पत्नी, ध्यान देंगे, राम के पिता की पत्नी राम की मां, राम के पिता की पत्नी राम की मां, मां का भाई मामा, मां का भाई मामा, और मामा पिता राम का नाना, मामा पिता राम का नाना का पोता यानी मामा का बेटा, मामा के बेटा को मामा से पीढ़ी नीचे रखा गया है, कौन है? श्याम। ध्यान देंगे यानी मामा के बेटा राम के बराबर मां आ चुका है, देख सकते हैं। तो मामा का बेटा कौन होगा राम का? श्याम राम का कौन है? मामा का बेटा है। मामा का बेटा क्या बोलेंगे? ममेरा भाई, ममेरा भाई हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंटिंग टाइप जो है देखने से पहले सभी बच्चों को हम कहना चाहेंगे, पॉइंटिंग टाइप देखने से पहले आपको फैमिली बेस्ड और कोडिंग बेस्ड जरूर देखेंगे। और बेहतर समझने के लिए फैमिली बेस्ड और कोडिंग बेस्ड जो है जरूर देखेंगे, और उसके बाद कुछ रिलेशन को बताया गया शुरू में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को, उसको भी देखना अनिवार्य है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली, यह मीन्स कौन? पुरुष। औरत बोलती है, मेरी मां। औरत की मां का पिता, औरत का नाना का एकमात्र बेटा, औरत का मामा। यह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? पुरुष हो गया मामा, औरत हो गई भांजी, पुरुष हो गया मामा तो औरत हो गई भांजी। देखिए बनाते बनाते ऐसा होगा, बनाते बनाते ऐसा होगा कि पढ़ते पढ़ते खत्म होगा, आंसर रहेगा तैयार। ध्यान देंगे, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली, यह मीन्स कौन? पुरुष। मेरी मां, कौन बोल रहा? मेरी मां। औरत बोल रही है, मेरी मां यानी औरत की मां के पिता। मां के पिता को नाना कहते हैं, याद रखिएगा। औरत की मां के पिता, औरत का नाना, नाना के बेटा क्या बोलते हैं? मामा। नाना के बेटा क्या बोलते हैं? मामा। तो पुरुष होगी औरत का मामा, तो औरत कौन होगी? पुरुष की भांजी। बाद वाले व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति क्या कहेंगे? तो वह व्यक्ति जो है औरत को क्या कहेगी? भांजी। आइए फैमिली ट्री हम बनाकर बताते हैं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि फैमिली ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अभी आप सीखने के दौर में हैं, इसलिए फैमिली ट्री बनाइए। तो फैमिली ट्री बनाना है बोलने वाले व्यक्ति से। औरत बोल रही है। कौन बोल रही है? औरत। मेरी मां, औरत की मां का पिता। मां पिता क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए, मां के पिता को बोलेंगे ना, मां पिता क्या बोलेंगे? नाना। देखिए इधर भी हम लिख देते हैं, औरत की मां का पिता, औरत का नाना हो गया, औरत का नाना हो गया। देखिए इधर से भी इंडिकेट कर दिए हैं आप समझने के लिए, बेहतर ढंग समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए। औरत बोल रही है, मेरी मां यानी औरत की मां, औरत की मां को औरत से एक पीढ़ी ऊपर, और मां के पिता को मां से एक पीढ़ी ऊपर, औरत की मां को औरत से एक पीढ़ी ऊपर, और मां के पिता को मां से एक पीढ़ी ऊपर। ध्यान देंगे, औरत की मां को औरत से एक पीढ़ी ऊपर, और मां के पिता को मां से एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि औरत से दो पीढ़ी ऊपर, औरत से दो पीढ़ी ऊपर कौन हो गया? मां का पिता, औरत का नाना का एकमात्र बेटा।
नाना का एकमात्र बेटा, औरत का मां का भाई, नाना का एकमात्र बेटा मां का भाई, यानी औरत का मामा, औरत का मामा, औरत का मामा। मां का भाई कौन है? पुरुष। मां का भाई कौन है? पुरुष। ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दीजिए। बाद वाले व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति कौन क्या कहेंगे? एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली, यह। यह मीन्स कौन? पुरुष। बोलने वाले व्यक्ति से पहले ट्री बनाना है, मेरी माँ। औरत बोलती औरत की माँ, औरत बोलती मेरी माँ, यानी औरत की माँ का पिता, माँ पिता औरत का नाना का एकमात्र बेटा, नाना का एकमात्र बेटा यानी माँ का भाई। माँ का भाई कौन है? पुरुष। यानी कि पुरुष हो गया मां का भाई मामा, पुरुष हो गया मां का भाई मामा, पुरुष हो गया मां का भाई मामा, तो औरत हो गई इधर से भांजी। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़े तो जैसा तीन नंबर इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक लड़के की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा, वह। वह मीन्स कौन? लड़का। मेरी सास कौन बोल रही है? राधा बोली मेरी सास, यानी राधा की सास के एकमात्र बच्चे, राधा के सास के एक ठो बच्चे है, राधा के सास तो एक ही बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं वह बच्चा राधा कौन होगा? पति का पुत्र, पति का पुत्र राधा का पुत्र, पति का पुत्र किसका पुत्र? राधा का पुत्र। फिर से देखिए, एक लड़के की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा, वह। वह मीन्स कौन? लड़का। मेरी सास कौन बोल रही है? राधा बोल रही है मेरी सास के एकमात्र बच्चे, सास के किठो बच्चे है, तो राधा का पति होगा, का पुत्र, पति का पुत्र राधा का पुत्र, बात बराबर। तो लड़का राधा किस प्रकार संबंधित है? पुत्र। ध्यान दीजिए जरा सा, बोलने वाला व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है, बोलने वाला व्यक्ति कौन है? राधा। राधा बोलती है, राधा बोलती है मेरी सास, राधा की सास, एकमात्र बच्चे राधा का पति, सास का एकमात्र बच्चा राधा का पति, राधा का पति का पुत्र, पति का पुत्र कौन है? लड़का। पति पुत्र कौन है? वह लड़का। ध्यान दीजिए फिर से, राधा बोलने वाला व्यक्ति फैमिली ट्री बनाना है, राधा बोलती है मेरी सास, राधा की सास, राधा की सास को राधा से एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे, राधा की सास को राधा से एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे, का एकमात्र बच्चे, सास के खींचो बच्चा, तो राधा का पति होगा, पति का पुत्र, पति का पुत्र, पुत्र को पति से एक पीढ़ी नीचे रखेंगे, कौन है? वह लड़का। तो पति पुत्र यानी राधा पुत्र, तो वह लड़का राधा से किस प्रकार संबंधित है? आप देख सकते हैं पुत्र, आंसर होगा पुत्र। अगला सवाल, अब
सुमन का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, इसकी मां, किसकी मां? सुमन की मां, मेरी मां की इकलौती पुत्री। सुमन की मां मेरी, गीता की मां की इकलौती पुत्री गीता स्वयं। सुमन की मां यहां गीता स्वयं हो गई। यही चीज आप में डेवलप होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है बच्चे, आप थोड़ा प्रयास कीजिए ताकि पढ़ते पढ़ते खत्म हो, आंसर रहे तैयार। एग्जाम में सोचने का वक्त नहीं रहता है। और जो बच्चे एग्जाम में सोचने लगेंगे कभी पास नहीं करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो बच्चे मेहनत करना है, एग्जाम निकालने के लिए आपको मेहनत करना होगा। सुमन का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, इसकी मां, किसकी मां? सुमन की मां। गीता कहती है मेरी मां, यानी गीता की मां के इकलौती पुत्री गीता स्वयं। गीता स्वयं कौन है? सुमन की मां। तो कहता है गीता सुमन से किस प्रकार संबंधित है? मां, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। बोलने वाला व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है। गीता बोलती है मेरी मां, गीता की मां को गीता से पीढ़ी ऊपर रखिए कि इकलौती पुत्री गीता स्वयं। किसकी मां है? गीता स्वयं। किसकी मां है गीता स्वयं? सुमन की मां है। गीता स्वयं कौन है? किसकी मां है बताइए जरा सा? सुमन की मां। गीता स्वयं किसकी मां है? सुमन की मां है। सुमन से को हम रखेंगे गीता से एक पीढ़ी नीचे। सुमन को रखेंगे हम गीता से एक पीढ़ी नीचे। तो सुमन, गीता स्वयं कौन है? सुमन की मां। सुमन की कौन मां है? कौन? गीता स्वयं। गीता स्वयं कौन है? आप देख सकते हैं सुमन की मां। तो गीता सुमन से किस प्रकार संबंधित है? मां, फिर से देखिए, फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार देखेंगे। सुमन का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, इसकी मां, किसकी मां? गीता की मां, मेरी मां। बोलने वाला व्यक्ति फैमिली ट्री बनाना है। मेरी मां कौन बोल रही है? गीता, यानी गीता की मां को गीता से एक पीढ़ी ऊपर रखना है। गीता की मां की इकलौती पुत्री, ध्यान देंगे, गीता की मां की इकलौती पुत्री, गीता की मां की इकलौती पुत्री गीता स्वयं। गीता स्वयं कौन है? सुमन की मां। तो सुमन को रखेंगे हम गीता से पीढ़ी नीचे। सुमन की मां कौन है? गीता स्वयं। तो सुमन को रखेंगे गीता से पीढ़ी नीचे। सुमन की मां है गीता स्वयं। इधर हम इंडिकेट कर देते हैं, इधर से इंडिकेट कर देते हैं, सुमन की मां कौन है? गीता स्वयं। तो गीता सुमन से किस प्रकार संबंधित है? सिंपल सी बात है, मां। अब अगला सवाल देखेंगे, पांचवा नंबर सवाल आपका है। अजय कहता है विजय की मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। विजय की मां कौन है? अजय की मां की एकमात्र पुत्री। तो अजय किस प्रकार विजय संबंधित है? देख सकते हैं, मामा लगेगा, देखने से संशय झलक गया। कैसे विजय की मां कौन है? अजय की मां की इकलौती एकमात्र पुत्री, अजय की बहन, अजय की मां की एकमात्र पुत्री, अजय की बहन कौन है? विजय की मां। तो अजय मामा लगेगा। रिलेशन को मजबूत करना होगा बच्चे, तभी जो है देखने साथ आंसर आएगा। अभी शुरुआती दौर में बेहतर रहेगा
कि फैमिली ट्री बना के ही सॉल्व कीजिए। आज बोलने वाला व्यक्ति फैमिली ट्री बनाना है, बोलने वाला व्यक्ति कौन है? अजय। अजय बोलता है मेरी मां। अजय बोलता है मेरी मां, यानी अजय की मां को अजय से एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। अजय की मां क्या के मातृपुत्री अजय की बहन, अजय की मां क्या के मातृपुत्री अजय की बहन कौन है? विजय की मां है, तो विजय को रखेंगे इससे एक पीढ़ी नीचे। यहां हम इंडिकेट कर देते हैं मां, विजय की मां इंडिकेट कर देते हैं। अजय की बहन वही है जो विजय की मां है, ध्यान दीजिए। जैसा अजय की बहन वही है जो विजय की मां है, अजय की बहन वही है जो विजय की मां है। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे बच्चे। अजय कहता है विजय की मां मेरी मां की मातपुत्री है। बोलने वाला व्यक्ति से फैमिली ट्री बनाना है, बोल रहा कौन? अजय। अजय बोलता है मेरी मां, यानी अजय की मां। अजय की मां को अजय से एक पीढ़ी ऊपर रख देंगे। मां की एक मात्र पुत्री अजय की बहन, मां की एक मात्र पुत्री कौन? अजय की बहन कौन है? विजय की मां। विजय को रखेंगे हम, विजय की मां, तो विजय को रखेंगे अजय की बहन से एक पीढ़ी नीचे। तो ध्यान दीजिए बच्चे, अजय की बहन कौन है? विजय की मां। इंडिकेट इधर करते हैं, विजय की मां है कौन? विजय की मां कौन है? अजय की बहन। देखिए अजय कहता है मेरी मां अजय की मां, कि एक मातपुत्र अजय की बहन कौन है? विजय की मां। तो विजय को रखेंगे अजय के बहन से एक पीढ़ी नीचे, यानी विजय की मां है अजय की बहन। विजय की मां वही है जो अजय की बहन है, ध्यान देंगे, विजय की मां वही है जो अजय की बहन है। तो अजय किस प्रकार विजय संबंधित है? अजय मां का भाई, विजय के मां का भाई है। अजय कौन है? विजय की मां का भाई है। अजय कौन है? विजय की मां का भाई। और मां के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। ध्यान देंगे बच्चे, ब्लड रिलेशन जो है तीन टाइप में पढ़ा रहे हैं। पहला टाइप है फैमिली बेस्ड। फैमिली बेस्ड में अभी तक मैंने चार क्लास लिया है, कोडिंग बेस्ड में एक क्लास लिया है। और तीनों टाइप में सबसे यदि टफ कहा जाए तो पॉइंटिंग टाइप। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे टफ जो पॉइंटिंग टाइप लग रहा है, इसको आप बिना पेन डाले, इसमें अभी तीन इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, कम से कम दो क्लास और लेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पॉइंटिंग टाइप बिना पेन डाले, फैमिली बेस्ड और कोडिंग बेस्ड से भी फास्ट बनेगा, यानी पढ़ते पढ़ते खत्म हो गया, आंसर रहेगा तैयार। हम आप लोग के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कर्तव्य बनता है। ज्यादा ज्यादा जो है वीडियो को फैलाएं, आधी से अधिक बच्चे जो है मेरे कोर्स को कर दें। यह गलत फहमी में नहीं रहिएगा, अजय रंजन सर से कोई रीजनिंग बेहतर पढ़ाएगा। आप कंपेयर करके देख लीजिए, मेरा कई वीडियो डाला गया है, फ्री में डाला गया है, कैलेंडर पूरा फ्री में डाला गया है, काफी डेप्थ पढ़ाए हैं, क्लॉक भी काफी डेप्थ पढ़ाए हैं, दोनों चैप्टर काफी डेप्थ पढ़ाए हैं, ब्लड रिलेशन पूरा डेप्थ पढ़ा रहे हैं, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता है। तीन चैप्टर ब्लड रिलेशन पजल सीटिंग अरेंजमेंट को हम 2 महीना पढ़ाएंगे, और 2 महीना तो दूसरा को पूरा रीजनिंग खत्म कर देता है।
तो मेरा मकसद क्या है डेफ पढ़ाने का? हमसे जो बच्चे पढ़ेंगे उसे हर हाल में एग्जाम का क्वेश्चन बनना चाहिए, तो बच्चे ध्यान देंगे। पीडीएफ जो है, किताब जो है, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, 3 वॉल्यूम में किताब उसको फ्री में दिया जाएगा, किताब कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जो बच्चे किताब केवल खरीदना चाहेंगे उसको केवल उसके लिए 101 रुपीज रखा गया है। किताब पूरा मेरा बना लीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, निश्चित रूप से मेरे किताब में दिए गए पोलम के आधार पर ही होगा। आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है, बैंक पीओ तक, यूपीएससी तक, देखा गया है कि मेरे यहां जो पढ़ने ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे एक भी क्वेश्चन रीजनिंग किसी एग्जाम में नहीं छोड़ा है। हम बिल्कुल ऑफलाइन तरह पढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आप लोग मेरे कदम में कदम मिला मेहनत करेंगे और आप लोग से भी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। फिर पॉइंटिंग टाइप अब बुक से अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।